हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। देखो आज सबसे पहले भाई देखो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिस भाई ने नहीं किया, क्यों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आपको वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्चुअली बहुत सारे जो अभी चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं, तो उसके लिए जो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो देखते हैं भाई क्या पहला क्या है। माइक्रोप्लास्टिक इन द ह्यूमन ब्लड्स, तो ये हमारा डिटेक्टिंग द माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड्स। क्या समझते हैं कि मानव शरीर में जो है, मानव शरीर के जो ब्लड है उसमें प्लास्टिक मिली है, कैसे क्या है। ये जीएस पेपर 2 में है। इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ से रिलेटेड है माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड्स। तो ए स्टडी By the researchers from the Netherlands and has the examined the blood samples 22 persons, all the animals, the donors and the healthy adults and found the plastic particles in 17 of them. Details. In studio look to the most commonly used for the plastic polymer. दोनों languages में है, समझते हो चले अच्छे से। Netherlands के शोधकर्ताओं के द्वारा एक अध्याय में 22 व्यक्तियों के सभी जो अज्ञात दाताओं और जो स्वास्थ्य वयस्कों के रक्त नमूनों में जांच की गई और उनमें से 17 में जो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। विवरण अध्याय क्या है। अध्याय में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक पॉलीमर को देखा गया है इसमें क्या है। ये पॉलीमर जो टेट्राफिटेट पीटी और पॉलीथिनाइल्स जो है प्लास्टिक कैरी बैग्स के लिए यूज होते हैं, जो उसमें प्लास्टिक के जो कैरी बैग ले जाने के लिए यूज होते हैं। प्लास्टिक का यूज भी है, जैसे भाई अभी मान लिया हमें 10 किलो सामान ले जाना, तो एक पॉलीथिन ले जा सकते हैं इजीली, ठीक है। बहुत सारी चीजें स्टाइलिन के पॉलीमर्स के लिए खाद्य पैकेज के लिए यूज होते हैं, खाद्य के लिए उसके लिए पॉलीमिथाइल क्रेटेल्स और पॉलीप्रोपाइल है। उन्हें पहले 4 प्रकार की जो उपस्थिति मिली है। अध्याय में पाया गया कि 77% जो परीक्षण में सभी लोगों के जो 22 लोगों में से 17 लेकिन मात्रा का जो ठहराव सीमा से अधिक पाया गया है माइक्रोप्लास्टिक ले लिया है, तो इन्होंने माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जो स्थान ले लिया है। ये 50% नमूने शोधकर्ताओं की पीटी कणों का पता लगाया है, जो 36 इनमें से जो पॉलीस्ट्राइलिन की जो उपस्थिति पाई गई है और 23 पॉलीथिलाइन और जो 5% जो पॉली मिथाइल क्रेटेल्स भी पाए गए हैं। इसमें से पॉलीप्लाइप्लिन के लिए निशान भी नहीं पाए गए थे। उन्होंने दाताओं के औसतन 1.6 जो माइक्रोग्राम प्लास्टिक के कण प्रति मिलीलीटर जो रक्त में नमूने पाए गए हैं। अच्छा, व्हाट इज द माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है। माइक्रोप्लास्टिक इज द टीनी बिट्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक फाउंड इन द एनवायरनमेंट। जो माइक्रोप्लास्टिक है, जो पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, नाम उनका उपयोग जो माइक्रो प्लास्टिक के अलग अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, बैग ईटीसी। इस प्रकार के जो बिल को जो फिट करने के लिए आकार का कोई एक जो सार्वभौमिक समझौता नहीं है। यूएस जो NOAA जो नेशनल ओशियंस एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपीय जो केमिकल एजेंसी माइक्रोप्लास्टिक लेस देन द 5 mm लेंथ, जिनकी जो 5 मिनिमम से कम लंबाई की जो है वो इसमें आती है। हेल्थ इंपैक्ट, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि माइक्रोप्लास्टिक रक्त प्रभाव के अंगों में जमा हो सकते हैं बीमारी, क्योंकि अभी 17 पे किया है, फिर और पे किया जो इंस्पेक्ट हुए 17 हुए। समूह में जिन कणों की जो तलाश और आकार का लगभग जो 700 नैनोमीटर 0.0007 मिलीलीटर के बराबर जितना छोटा था, यह वास्तव में छोटा और देखा गया है कि जाना बाकी है कि ऐसे कणों को रक्त कोशिकाओं की दीवारों को पार करने और अंगों को प्रभावित करने के लिए खतरा है। साथ ही वर्तमान में निष्कर्षों से पुष्टि करने के लिए बड़े अध्याय की जो आवश्यकता है। रैट एक्सपेरिमेंट, चूहों पर क्या प्रयोग हुआ। चूहों का प्रयोग जहां तक फेफड़े पॉलीस्ट्राइलिन क्षेत्रों में 20 नैनोमीटर संपर्क में थे, ने जो नैनो कणों को
अपरा और जो भून उत्कों में स्थानित कर दिया। चूहों में माइक्रोप्लास्टिक्स के जो मौखिक प्रशासन के कारण ये जो यकृत गुर्दे और आंत में जमा हो गए। द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, अध्ययन में क्या क्या महत्व है। प्लास्टिक की जो लोगों के संपर्क में आने से डेटा की कमी के कारण प्लास्टिक के स्तरों में संबंध में मानव स्थान स्वास्थ्य जो जोखिम मूल्यांकन करना आसान नहीं है, शायद संभव भी नहीं है। इस लिहाज से ऐसी पढ़ाई जरूरी है। अब देखते हैं प्रतिवाहियों को छोटे छोटे आकार के अध्याय और जो परिणामों के नीति रूप में आदि के रूप में नहीं लिया जा सकता। यदि पेपर की शक्ति विधि है तो यह प्रदर्शित करने में रक्त को जो माइक्रोप्लास्टिक खोजने की ऐसी संभावना मौजूद है। अब देखो रिसर्च क्या है, रिसर्च करना है एक्सटेंडेड द प्रोड्यूसर द रेस्पॉन्सिबिलिटी EPR प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रोल 2006 लंदन कन्जर्वेशन 1972 ये जो लंदन कन्वेंशन। माइक्रोप्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक में क्या अंतर होता है। प्राथमिक और माइक्रो जो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, मान्य मनुष्य और जो वन्य जीव समुद्री जीव पर क्या उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये इंग्लिश वर्जन है और ये हिंदी वर्जन है। निम्नलिखित में भी विचार कीजिए, यदि कोई जो कोर्ट का विचार करें विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR के दृष्टिकोण से, जिसके तहत जो उत्पादों के उपभोक्ता के बाद में उत्पादकों के विचार वो उपचार या निपटान के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वित्तीय और भौमितिक दी जाती है। प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन 2016 के विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व EPR की जो अवधारणा पेश की है। तो ओनली वन ओनली टू ब्योथ नाइदर वन ऑन टू, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड इज द करेक्ट वो सॉरी ये जो फॉल्स है। मैन के लिए स्पेसिफिक है। नेक्स्ट हमारा हाउ द सिग्निफिकेंट ऑफ द प्रॉब्लम द प्लास्टिक पॉल्यूशन फॉर मैराइन लाइफ ऑफ द डिस्कस, समुद्री जीवन के लिए प्लास्टिक प्रदूषण से समस्या।